देखिएगा, तो हम एमपीएल सर्किट का लव की एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। आपको बॉस हो याद है, बॉस लो बताया था भैया, चार्ज की वजह से आप किसी भी पॉइंट पर क्या निकाल लेते भैया, मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है, मान लीजिए चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट चार्ज था, इसके लिए जो गॉसियन सरफेस होती थी वो कैसी होती थी, स्फेरिकल, कैसी होती, ये लीनियर चार्ज था, मान लीजिए चार्ज इसके ऊपर ऐसा, ये लीनियर चार्ज कहलाएगा। इसके लिए जो गॉसियन सरफेस होगी कैसी होगी भैया, सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो हमारी गॉसियन सरफेस की शेप किसी भी तरीके से हो सकती है, किसी भी तरीके की, ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह की चार्ज बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, किस तरह की चार्ज बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। पॉइंट चार्ज होगा तो स्फेरिकल होगी, लीनियर चार्ज होगा तो सिलेंड्रिकल होगी, किसी और तरीके का चार्ज होगा तो उस तरह की उस शेप में हम डाल देते हैं, ठीक है। मतलब गॉसियन सरफेस की जो शेप है वो फिक्स नहीं रहती, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का चार्ज अपने अंदर एनक्लोज कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल सेम हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एम्पियर सर्किट का लॉ यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, और एम्पियर सर्किट का लॉ में हम मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं, तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हम किसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। अलग अलग चीजों के लिए जो आप एम्पीरियल लूप ड्रॉ कर रहे थे, पहले हमने वायर की वजह से लिया, तो वायर कैसा था, सर्कुलर था, वायर का क्रॉस सेक्शन कैसा था, तो इसलिए हमने सर्कुलर लूप बनाई थी, एम्पीरियल लूप, ठीक है, और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल दी। ऐसे अगर हम अलग अलग बॉडी को ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए एम्पीरियल लूप का शेप क्या होगा, अलग अलग होगा, समझ गए भैया, बिल्कुल गॉस नियम की तरह डिपेंड करता है बॉडी की शेप क्या है, या जिसकी वजह से हम क्या निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं सोलेनोइड स्टार्ट कर चुका था, ठीक है, तो सोलेनोइड क्या था, मैंने आपको डेफिनेशन लिखवा दी थी सोलेनोइड की, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो एक वायर को हेलिकल शेप में, हेलिकल शेप में ऐसे बैंड कर दो, मोड़ दो, बाउंड कर दो, सॉरी बैंडिंग बाउंड कर दो, ठीक है। एक साइड में पॉजिटिव, दूसरे साइड में नेगेटिव एंड जोड़ दीजिए, तो अगर करंट यहां से क्लॉकवाइज जाएगा, और तो इधर से क्या वाइंडिंग क्लॉकवाइज जाएगा, जहां पर एंटी क्लॉकवाइज रहता है वहां पे क्या किया, नॉर्थ पोलैरिटी, और जहां पे क्लॉकवाइज आता है वहां पे क्या दे दिया, साउथ पोलैरिटी, क्या दे दिया, और साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एंटी मारती, और नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बाहर जाती है, याद रखना जितनी मैग्नेटिक फील्ड एंट्री मार रही है उतनी ही बाहर निकलती है, और उतनी ही क्या रहेंगी भैया, अनवेरिफाइड रहेंगी पोल की तरफ, याद है, ठीक है। और मैंने बताया था कि एक्स क्या है, इनके बीच की दूरी है, दो टर्न्स के सेपरेशन इन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्न्स, एक्स इफ एक्स टर्न्स टू जीरो, तो इसका मतलब क्या भैया, मैग्नेटिक फील्ड कोर के अंदर जो होगी वो क्या होगी भैया, मैक्सिमम, क्या होगी भैया, मैक्सिमम, जो अपनी चरम सीमा पर होगी, क्या होगी, चरम सीमा, और बाहर आउटसाइड आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलने वाली भैया, इस रीजन में और इस रीजन में आपको किसी प्रकार की कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी, ये भैया। और बी एट दी एंड, एंड पर, इस वाले एंड पर और इस वाले एंड पर आपको जो मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाली है वो बी कोर की क्या होगी भैया, हां याद रखो, लेकिन अगर आपको पता है भैया कि एक्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से कुछ ज्यादा है इसका मैग्नेटिक टर्न्स के बीच का, तो भैया कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी भैया, वीक हो जाएगी, ठीक है। बी आउटसाइड क्या होगा भैया, ग्रेटर देन 0 होगा, कुछ मैग्नेटिक फील्ड बाहर भी रहेगी, और बी एंड पर क्या रहेगा भैया, वही जो कोर का है कोर का हाफ हो जाएगी, जितनी भी रहेगी उतनी क्या होगी, कोर की आधी हो जाएगी, ठीक है भैया, जो कोर की इस कंडीशन में, ठीक है भैया, तो वीक की आधी, ये बता दिया था मैंने आपको लास्ट क्लास में, ठीक है भैया, बताया था मैंने, नहीं बताया था तो बता दीजिए, अब हम कर रहे हैं भैया एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिनोइड, इसकी वजह से सॉलिनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाले जा रहे हैं, और ये एम्पियर सर्किट का लॉ की आपकी सेकंड एप्लीकेशन है, फर्स्ट तो ऑलरेडी करा चुका हूं, है ना। तो एप्लीकेशन नंबर क्या भैया, सेकंड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है और बहुत आसान एप्लीकेशन है, इसलिए ध्यान रखना बेटा, जब आई ना मैं मुंह में बाद में घिसोड़ के परमानेंट कर दूंगा, और एक बार कहीं और दे दूंगा आपके, ठीक है।
क्या लगता है तुम तो बहस कर रहे आजकल मर्जी आज ही पहले वापस लाइन वर्ड को मतलब बहुत पेन हुआ इसके बाद क्लास के बाद इसकी वजह से और ये हम कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इसमें x टर्न्स टू क्या गया जीरो है ये ध्यान रखना बाहर मतलब इनके बीच में गैप नहीं मिलेगा आपको और बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी जीरो रहेगी और में क्या रहेगी एरिया हम इसी के लिए x टर्न्स कर रहे हैं ये भैया क्या गया ये है आपकी सॉलिड एरिया और करंट क्या आई तो ये करंट क्या बाहर टर्न से पास करेगा बोलो हाँ बाहर यहाँ से निकल आएगा है ना और यहाँ पे क्लॉकवाइज रहेगा तो साउथ पोल आएगी एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो नॉर्थ पोल डिपेंड करता है टर्न की शेप किस शेप की है ना एंड क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्न इस सॉलिड के अंदर जो कुल टर्न है कितनी है एन एल क्या है यहां से यहां तक की लेंथ एल क्या है टोटल लेंथ ऑफ सॉलिड सॉलिड की कुल लेंथ क्या भैया एल ठीक है चलो और आई क्या भैया करेंट थ्रू ईच प्रत्येक टर्न से जो करंट जा रहा है कितना भैया आई तो अब देखिए भैया हमें पता है ये एम्पीयर सर्किट का सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन है इसके लिए क्या करनी पड़ेगी एम्पीयर लॉ प्रॉब्लम तो हमने ड्रॉ कर दी भैया क्या दिक्कत ये है एम्पीयर ये बन गया आपकी एम्पीयर लॉ कोई दिक्कत तो नहीं है अभी किस शेप में खींची मैंने रेक्टेंगुलर शेप क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप से हमें क्या मिल पाता इसका रिजल्ट मिलता है ध्यान दीजिए भैया प्लीज कोई बोलेगा ठीक है ये ए है ये बी है ये सी है ये डी है ठीक है आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किस तरीके से होती है यहाँ मान लीजिए यहाँ पे यहां से निकल रही है यहाँ से एंट्री मारी है ना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल रही है तो यहाँ इस वाले पार्ट से निकल रही है मतलब यहाँ पे क्या नॉर्थ पोल एंट्री होगी इस साइड में क्या एंट्री होगी साउथ पोल ठीक है हमने ऐसे अज्यूम कर लिया इधर क्या नॉर्थ है और यहाँ पे अगर साउथ हो तो यहाँ से आपको बदले जाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है भैया किसी के लिए भी एक्सप्रेशन तुम क्या भाई मुझे समझ लिया अरे ऐसे क्या है लिखना जरूर जोड़ लिया हाँ कोई दिक्कत नहीं ठीक है भैया अभी हमने क्या किया ध्यान दीजिए बन चुका है हमारा सर डायग्राम बन चुका है अच्छा इस जो ये इसकी विड्थ है वो बी है क्या है और इसकी लंबाई एल है तो इसकी भी लंबाई क्या होगी एल ही होगी ठीक है समझिए भैया जो रेक्टेंगुलर लूप हमने ड्रॉ की है उसकी लंबाई सॉलिड की लंबाई के बराबर है उसकी विड्थ क्या है बी अच्छा इस विड्थ का छोटा पार्ट क्या होगा डी बी है ना और इस लंबाई का छोटा पार्ट क्या होगा डी एल यहां पर भी क्या होगा डी एल और यहां पर भी क्या होगा भैया डी कोई दिक्कत नहीं है एम्पीरियल लूप पे छोटे छोटे हमने सेक्टर ले लिए इसमें लिया तो डी बी इसमें लिया तो डी एल इसमें लिया तो डी एल इसमें लिया तो डी बी कोई दिक्कत नहीं है अभी देखिए भैया हम मैग्नेटिक फील्ड अब देखिए अकॉर्डिंग टू एम्पीयर सर्किटल लॉ क्या कहता है भैया बहुत आसान कि टोटल बीडियल कहां से है ठीक है टोटल लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टोटल यानी बी इनटू में डीएल का कुल प्रोडक्ट जो होगा पूरी लूप के लिए अब देखिए लूप चार पार्ट में डिवाइड है ए से लेकर बी बी से लेकर सी से लेकर डी और अगर सर्कुलर होती तो पूरी लूप लिख देता ना लेकिन ये लूप जो हमने एम्पीरियल लूप ली है वो रेक्टेंगुलर शेप की है तो उसके चार एंड है उन चारों पार्ट में मैं सारे बीडीएल को जोड़ूंगा सारे बीडीएल को जोड़ूंगा तो सारे बीडीएल को जोड़ने के लिए क्या लिखना पड़ेगा ए बी सी डी ए बी सी डी ए में जितने भी बीडीएल है सबको जोड़ूंगा तो किसके बराबर आएगा म्यू नॉट आई टोटल करंट क्या आएगा भैया टोटल करंट कौन सा करंट एनक्लोज्ड बाय दिस एम्पीरियल लूप इस एम्पीरियल लूप में कितना करंट एनक्लोज कर रखा उसकी बात करो करंट क्या भैया हर टर्न से कितना जा रहा है आई टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय एम्पीरियल लूप में कुल कितना करंट एनक्लोज कर ठीक है भैया तो इसको देखिए ए बी सी डी ए बी इनटू में डी ठीक है ये हो गया अच्छा देखिए जो आपका एम्पीयर सर्किटल लॉ होता है वो मैं साइड में लिख रहा हूँ होता है आपका बी इंटू मेडियल क्या था म्यू नॉट आई है ना अच्छा ये रिजल्ट क्या है स्केलर है वेक्टर है अच्छा म्यू नॉट क्या भैया स्केलर लेकिन कॉन्स्टेंट है आई क्या है ये भी स्केलर है यानी ये वेक्टर है ये वेक्टर है
इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है स्केलर। तो भैया यहाँ पर कॉस लगेगा या साइन, कॉस लगेगा। अगर रिजल्ट आपका दो वेक्टर पर, ये भी वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है और आपका डीएल भी क्या है वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट क्या है स्केलर। अगर प्रोडक्ट स्केलर आता है तो वहां पर क्या लगता है भैया कॉस, क्या होता है भैया म्यू नॉट आई। तो एम्पियर सर्किट लॉ की एग्जैक्ट फॉर्म एक्चुअल में ये है, लेकिन हम लिखते नहीं है ठीक है भैया, कोई जरूरत नहीं पड़ती है ठीक है भैया। बाकी एग्जैक्ट फॉर्म क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल कॉस थीटा, थीटा इज व्हाट एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डीएल वेक्टर, थीटा क्या भैया एंगल इन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड डीएल वेक्टर, कोई दिक्कत तो नहीं है। और हमने कॉस क्यों लगाया, क्योंकि रिजल्ट हमारा क्या रहा स्केलर आ रहा, वेक्टर आता तो साइन लगा देता ना, याद है। चलो अभी बढ़ते हैं भैया और बात करते हैं भैया ए से बी, देखिए ये तो पूरा टोटल लाइन इंटीग्रल है ए बी सी डी का। अभी ए बी सी डी ए जो है वो चार पार्ट में डिवाइडेड है, बताया था ना कोई, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ठीक है भैया। चलो पहले लिखते हैं हम ए से कहां जाते हैं बी, ए से बी पे, तो ए से बी पे गए तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, कितना इस वाले एंड पर, देखिए एंड पर ये ना ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रही है और जो एलिमेंट लिया है एम्पियर लूप का वो कहां पे है ऊपर की तरफ, एम्पीरियल लूप का जो एलिमेंट है वो कहां है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड क्या भी है दोनों के बीच में मैग्नेटिक कौन रहा है 90, तो क्या होगा बी इनटू में डी बी, बी क्या भी है इस एंड पर मैग्नेटिक फील्ड और डी बी क्या भी है ये एम्पीरियल लूप, इनके बीच में मैग्नेटिक कौन रहा है कॉस 90 ठीक है भैया। चलो फिर बाहर चलते हैं, आपको पता है आउटर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है भैया जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या कर दिया कहां से कहां पे बी से लेके सी पे मैग्नेटिक फील्ड होगी जीरो, लूप क्या है भैया डीएल और कॉस कितना होगा भैया कुछ भी होगा कॉस थीटा लिख दीजिए क्या दिक्कत है, तो जीरो होगा है ना, तो जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद फिर सी से लेके डी पे आओगे, सी से लेके डी पे आओगे मैग्नेटिक फील्ड क्या भैया अंदर आ रही है ठीक है भैया, और डी एलिमेंट क्या भी है ऐसे है नीचे की तरफ, दोनों के बीच में क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा एलिमेंट क्या होगा कॉस 90। अब अंदर की तरफ आ जाते हैं ठीक है भैया, इंटीग्रेशन ऑफ डी से लेके ए है ना, डी से लेके ए, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्या हो गया बी फोर, मैंने मान लिया बी फोर मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्या भी है बी फोर, एलिमेंट क्या भी डीएल और एंगल कितना है बी फोर की मैग्नेटिक फील्ड इधर ये एलिमेंट भी लगे, तो एंगल क्या हो गया ये हो गया ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है जीरो, ये भी जीरो ये भी जीरो, केवल ये बच गया ठीक है। तो ये हो गया बी डी एल ए बी सी डी ए है ना, क्या होगा बी कोर में फोर में पूरे कोर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है कॉन्स्टेंट होती है, हमने बाहर निकाल दिया अंदर क्या बचा केवल डी एल, कहा से कहा तक का डी से लेके ए तक का, तो बी कोर इंटू में डीएल, डीएल डीएल क्या छोटा पार्ट है लेकिन जब D से लेके A तक इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा एरर, अगर DL क्या है छोटा पार्ट है, जब आप D से लेके A तक की लिमिट में इंटीग्रेट करोगे तो कुल वैल्यू कितनी आएगी, तो ये होगी आपकी फर्स्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है ना दिक्कत, फोटो ले लीजिए फोटो, कौन बुला रहा है तुम ना, अबे टाइम मत लगा रहा है जल्दी कर भाई, अब ये काम भी ना मेरे को ही करना पड़ता है आज, अभी ये लगी आपके साथ आता कि क्यों नहीं आ गया सोच के कर, और मन का ज्यादा बंदा कबूतर ना, बहुत उड़ा के पर काट पड़ी, ये हो गया भैया इसकी वैल्यू क्या होगी इंटीग्रेशन ऑफ पीडीएल एबीसीडी की वैल्यू क्या होगी बी फोर इनटू मैन, कोई दिक्कत तो नहीं है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ ए बी सी डी ए बी डी एल की वैल्यू क्या है ये बता रहा क्लोज लूप है, क्या है ये अच्छा ये किसके बराबर आएगा म्यू नॉट टोटल करंट, क्या आएगा भैया एक टर्म से कितना करंट है आई, हमने पता यहाँ से यहाँ तक कितनी टर्न है एल, तो कुल कितना करंट एल क्रॉस करके इसमें एल आई, क्या कर रहा है एक टर्न में करंट आई, आपको पता यहाँ से लेकर जिसमें पाइन क्रॉस कर रखा है एम्पियर
लूप में जिस जिन टर्न्स को एनक्लोज कर रखा है उनके ऊपर कुल करंट की वैल्यू क्या होगी एफ आई। सेकंड इक्वेशन मुझे पता है इसकी वैल्यू ये रखी है, इसकी वैल्यू ये रखी है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ठीक है भैया, पहली और दूसरी इक्वेशन से इंटीग्रेशन ऑफ इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू है और इसकी वैल्यू है, तो बी फोर एल इक्वल्स टू क्या होगा म्यू नॉट एन आई। तो बी फोर की वैल्यू क्या होगी, बी फोर के अंदर मैग्नेटिक म्यू नॉट एन आई अपॉन में क्या हो गया एल। ठीक है, म्यू नॉट ये तो फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो बी फोर म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन में एन क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्न, एन क्या है लेंथ, एन अपॉन में एल क्या नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, क्या उसको लिखते हैं स्मॉल एन से, इसे लिखते हैं वेयर स्मॉल एन इक्वल्स में एन अपॉन में एन नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। अच्छा इसकी एसआई यूनिट क्या होगी भैया बताइए, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, लेंथ की तो होती है, तो एसआई यूनिट क्या होगी पर मीटर, इसकी क्या होगी एसआई यूनिट। अच्छा देखिए ये तो जब था जब इसके बीच में सोलेनोइड के बीच में केवल स्पेस था एयर था या वैक्यूम था, क्या था व्हेन स्पेस ऑफ द सोलेनोइड फिल विद एयर प्लस वैक्यूम। ठीक है भैया जब ये था, लेकिन अगर मान लीजिए कोई मीडियम हो, याद है भैया जब हमने कहा था मीडियम होता है तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है म्यू नॉट के साथ म्यू वन तय कर दिया है ना, वैसे यहां पर भी होता है, ठीक है एप्सिलॉन के साथ एप्सिलॉन आर के साथ यहां पर म्यू नॉट के साथ म्यू वन मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बी फोर के अंदर क्या हो गया इफ दिस स्पेस ऑफ द कोर ऑफ सोलेनोइड, इसलिए कहता हूं थोड़ी हाथ लगा अच्छी बात ऊपर ट्राई की बेटी मीडियम अगर मीडियम से फिल्ड है स्पेस तो ये क्या होगा कोर में जो नई मैग्नेटिक फील्ड आएगी कहा लिखो कहा लिखा तो बी कोर इक्वल्स में म्यू नॉट म्यू आर एल आई हो जाएगा भैया। ठीक है ये म्यू आर जो होता है ना डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है, पढ़ाऊंगा अभी से डिटेल में चैप्टर नंबर 5 में। ठीक है तो म्यू आर जो होता है अलग अलग मटेरियल के लिए क्या होता है अलग होता है, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। ठीक है आपके पास मैग्नेटिक सब्सटेंस के हिसाब से तीन तरह के सब्सटेंस होते हैं, एक होता है डाया पैरा और तीसरा होता है फेरो। डाया की वैल्यू जो होती है कम होती है, यानी अगर आप डाया डालोगे तो उनका मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू का भी डिक्रीज कर जाएंगे। पहला जो होता है उसकी वैल्यू म्यू की वैल्यू म्यू आर की वैल्यू जो होती है वन होती है, वन से थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो मतलब थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की क्या होगी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर फेरो डाल दिया तो फेरो भी बहुत ज्यादा होती है ये म्यू आर की वैल्यू, और अंदर मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू क्या होगी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है फेरो डालने के बाद। और फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस का यूज करते हैं हम मैग्नेट बनाने के लिए, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस का यूज करते हैं हम मैग्नेट बनाने के लिए। आपने सॉलिड पढ़ लिया केमिस्ट्री में, सॉलिड पढ़ लिया आपको फिर भी नहीं पता, सॉरी तो उसमें आप देखोगे खैर मैं पढ़ाऊंगा चाहे सिलेबस में हो या ना हो। ठीक है भैया चलो हो गया खत्म, चुप हो जा। ठीक है अब देखिए भैया स्पेस होगा वैक्यूम होगा तो वन, डाया होगा तो एक से कम, पैरा होगा तो एक से ज्यादा म्यू आर की वैल्यू, और फेरो होगा तो बहुत ज्यादा ही मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है भैया और एंड पर क्या मिलेगी आपको सॉलिनोइड, तो भैया म्यू नॉट म्यू आर एन आई अपॉन में क्या होगा। ठीक है भैया तो ये कंप्लीट सॉलिनोइड का विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन कंपोर्ट का केस बेटा आपको इतनी वीडियो मैंने आज तक किसी बैच में नहीं कराई है डेरिवेशन का रिकॉर्ड पड़ा आज मेरे को 7 साल हो गए पूरा पढ़ाते हुए 7 साल हां ठीक है।
उसे पता है मैं ये कहूंगा लेकिन पूछा नहीं। रावण के पास भी घोड़ था, बहुत विद्वान था रावण, जानता था ना ये रथ क्या हो गया मैं कुछ रावण का घमंड चूर चूर हो गया। पता किसने किया? किसने किया? राम ने नहीं किया था, समय ने किया। भाई छोड़ दे यार, मैं घमंड क्यों कर रहा। देखिए अगला भी है टोरॉइड। अगला क्या भैया होता सोलेनोइड ही है तो दिख रहा हूँ सिलेबस में, सिलेबस में आ जाके देखिए। पता नहीं कहाँ से सिलेबस देख क्या सारा सारा अबे मैं डिलीट नहीं देखता, मैं अगर डिलीट देखूंगा फिर तो तुम्हारा सारा डिलीट हो गया। ठीक है क्या छोड़ो डिलीट क्या रहा है तो देखिए तो भैया ना बोल दिया सवेरे आ गया पक्कल था उसका। दोनों भाई की चाल रहती है क्या भाई मेहरबानी पता कर कौन कौन आता वहां पे भाई सारे 9-9 बजे के बैठे रहते दोनों भाई मेहरबानी का क्या करें पापा ने गलती कर दी इसको। तो ये देखिए अभी हम करांते हैं टोरॉइड, बिल्कुल सेम है सोलेनोइड और टोरॉइड, कुछ भी नहीं है। जब ऐसे रहती है सोलेनोइड बाहर ऐसे 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 उसको सोलेनोइड कहते हैं, लेकिन जब हम दोनों एंड को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है तो एंड या सोलेनोइड इज नोन एज टोरॉइड। ठीक है जिस सोलेनोइड अगर ये एंड है इसके दो एंड एंड नॉट मिक्स आउट एंड ही खत्म कर दिया ना तो इसके पास देखिए क्वेश्चन आता बहुत ज्यादा है कि क्या टोरॉइड के टोरॉइड तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड जो बनाएगा उसके पास नॉर्थ और साउथ होते हैं है ना, लेकिन टोरॉइड के केस में नहीं होता क्योंकि इसके एंड ही नहीं होता। जिसके पास एंड होगा उसी के पास तो नॉर्थ और साउथ रहेंगे, इसके पास तो एंड ही नहीं तो है तो सॉलिडॉइड ही, बस इसके क्या की दोनों एंड होगा समझ गया तो टोरॉइड करें। थर्ड टोरॉइड एंडलेस सॉलिडॉइड इज नॉन एज टोरॉइड, बस इतनी सी डेफिनेशन है। ठीक है सारा कंसेप्ट सॉलिडॉइड का है लेकिन यहाँ पे एम्पिरिकल लूप अलग तरीके से खींचे। ये अभी आपकी चक्री पूरा ये बता रहे कहीं से भी कोई कमी नहीं है इसमें। ठीक है अभी इसके ऊपर हमने क्या किया, ये मतलब हमने कोई पाइप ले ली प्लास्टिक की पाइप ले ली उसके उसके दोनों एंड पहले जोड़ दिया बोल बन गया। अब इसके ऊपर हम हल्के हाथों से प्यार से ए ये तो कार देखिए तो मैं कार का स्टीयरिंग, कार के स्टीयरिंग पर से बाहर लगती होती है, बस ये ध्यान रखना कि बीच में गैप नहीं है, गैप होगा तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, हमें चाहिए ही बाहर मैग्नेटिक सारा मियाँ इस पे ऐसा पूछते हो साले को चल निर्लज गई का। और इसका स्कूल होता कभी नहीं है, अब तो लोग स्कूल नहीं है इसे स्कूल वाला टीचर नहीं पहचानते कि मेरी क्लास में पढ़ता ही पढ़ता। ये देखिए ये अभी एक टोरॉइड बन चुका है, हां तो सोलेनोइड इसको मोड़ दिया हमने, नो एंड नो पोल, नो एंड नो पोल, नो एंड नो पोल। ध्यान रखना भैया टीचर पूछेगा कि क्या पोल होता है तो क्या एंड नहीं है तो पोल कैसे होगा, एंड क्या है टोटल नंबर ऑफ
टर्म्स। देखिए भैया इस केस में कई बार क्वेश्चन बड़ा करने के लिए, थोड़ा बड़ा करने के लिए एरिया इसमें दो तीन चीजें ऐड अप कर देते हैं। जैसे ये होगी भैया आउटर रेडियस, क्या होगी भैया आर टू लिखते हैं, ये होगी भैया आपकी इनर रेडियस इसे आर वन कहते हैं। लेकिन ये जो कोर की रेडियस है ना क्वेश्चन में इसकी बात की जाती है वो दी नहीं होती, तो इस कोर की रेडियस को निकालने के लिए हम R1 plus R2 upon में 2 कर देते हैं, तो क्या आ गया कोर की रेडियस, क्या आ गया रेडियस ऑफ कोर, रेडियस ऑफ कोर, कोर की रेडियस आ गई। कैसे हाफ किया तो आपको पता ये R2 यहां से यहां तक है और R1 क्या यहां से यहां तक है, अगर इसको काट कर एवरेज निकालना मतलब जो फर्क होगा जो फर्क तो ये फर्क होना, इसको काट कर इस पर लगा दे तो ये भी कहां पहुंच गई, ये भी ये कहां देखिए ये इसमें ये यहां से यहां तक है, एवरेज निकालने का मतलब है जो भी फालतू होगा ना इसको खा के दे दूंगा कम वाले, एवरेज तो यही होता ना कम वाले को ज्यादा वाला देगा जितना, ठीक है। तो अब ये इसमें देखूं और इसमें देखूं तो ये चीज क्या फालतू, अगर मैं इसको खा के यहाँ पर रख दूं तो दोनों का साइज क्या होगा सेम हो जाएगा, ठीक है भैया। तो मतलब आप इसकी बात करें ये जो आर है ना वो इन दोनों का एवरेज है, और की रेडियस क्या होती है आर वन प्लस आर टू, समझ गए भैया। ये जो मैंने डॉटेड लाइन से खींचा ना ये एक्चुअल में क्या है एम्पियर लूप है, क्या है भैया क्योंकि सारी टर्म को अगर मैं बाहर खींचता तो बाहर तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो खींचिएगा तो सारे ही था, अंदर खींचता तो अंदर भी कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, कहां पे आएगा मैग्नेटिक फील्ड केवल कोर में, इस बार ठीक है भैया। तो इसलिए कोर से हमने लूप खींची जिसने क्या किया सारे टर्म को कवर अप कर रखा, ठीक है भैया। अच्छा इस लूप का देखिए सो इसे थोड़ा अच्छे से कर लूंगा, ये हो गया लूप, ठीक है एम्पिरियल लूप हो गया, ठीक है भैया। इस एम्पिरियल लूप का छोटा सा पार्ट लिया, क्या लिया भैया ठीक है मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया बी, एलिमेंट कितना भैया डीएल और मैग्नेटिक फील्ड क्या भैया बी। अब देखिए भैया इस केस में बी और डीएल के बीच मैग्नेटिक क्या बन रहा है जीरो, क्या बन रहा है जीरो का, ये ध्यान रखना आठ बन करके इस चीज को सुनो, ये सर्कुलर लूप अगर आप एम्पिरियल लूप बना रहे सर्कुलर एम्पिरियल लूप बना रहे तो वहां पर आपका एंगल हमेशा क्या बनेगा B और D के बीच जीरो बनता है, जैसे आप याद है स्पाइरल बनाते थे बस जीरो ना, तो वहां पर नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता था, वैसे यहां पर सर्कुलर में क्या होगा हमेशा 0 डिग्री का एंगल होता है, क्या कहता भैया अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, क्या कहता भैया याद है इंटीग्रेशन ऑफ लूप पूरी लूप का B into में DL इसके बराबर आएगा, आपको पता पूरी सोलेनोइड के अंदर क्या है कोर ही है प्रोवाइड करता है इनटू मेडियल, डीएल क्या है छोटा सा एलिमेंट और बी क्या है कोर की मैग्नेटिक फील्ड, क्या भैया कोर में तो निकालते बात नहीं मैग्नेटिक वो म्यू नॉट आई टोटल, क्या आएगा टोटल नंबर ऑफ टर्न क्या भैया और हर टर्न में करंट कितना होगा तो कुल करंट कितना होगा तो बी कोर, कोर के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हर पॉइंट कोर के अंदर कोर के अंदर ही तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी हर सेम रहेगी लूप, क्या हुआ डीएल म्यू नॉट एन आई, अच्छा डीएल क्या भैया छोटा सा एलिमेंट है इसको पूरा इंटीग्रल करोगे और 2 पाई आर ये वाला आएगा, तो बी कोर क्या आ गया कोर इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 पाई आर, ठीक है ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड हो गया। अच्छा एक चीज देखिए तो बी कोर इक्वल्स टू क्या हुआ म्यू नॉट एन अपॉन में 2 पाई आर, ये क्या भी है टोटल लेंथ है ये टोटल टर्म है तो इसका भी क्या हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। अच्छा इफ मीडियम कंसिस्ट विद इन स्पेस ऑफ द कोर या कोर जो है कंसिस्ट विद मीडियम, इफ कोर कंसिस्ट विद विद मीडियम मीडियम अगर कोर मीडियम से मिलकर बना है तो ये जो कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या होगी म्यू नॉट म्यू आर एन आई, स्पेस के लिए क्या होगी वन डाया के लिए लेस देन वन और फेरो के लिए समझ गए भैया। तो ये हो गया आपका फोटो खींच बेटा फोटो खींच बताऊ ठीक है लास्ट एप्लीकेशन और एनसीईआरटी के एग्जांपल भी है, ठीक है भैया बहुत आसान है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है मिटा दू देखिए अगला भी है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग सिलेंडर. एक सिलेंडर की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट इट्स वेरियस पॉइंट एट इट्स याद है आपको वहां पे मैंने स्पीयर के केस में कराया था स्पीयर के अंदर निकाला था बाहर निकाला था सरफेस पे निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड याद है. ये भी यहां पर सिलेंडर के अपोजिट पर निकालेंगे ये सिलेंडर आपका इसकी लेंथ क्या भी है ऊपर से भी इंफिनिटी और नीचे से भी क्या भी है आर क्या भी है इसकी रेडियस है क्या है रेडियस ऑफ सिलेंडर की रेडियस क्या भी है आर आई क्या है टोटल करंट टोटल करंट ठीक है सिलेंडर से और भी सिलेंडर यहां पर स्मॉल आर यूज कर रहा हूं तो स्मॉल आर क्या किया रेडियस ऑफ इंपीरियल लूप क्या किया रेडियस ऑफ इंपीरियल लूप और ये लूप क्या भी गया वेरिएबल होगी क्योंकि अलग अलग पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो उसका साइज क्या करना पड़ेगा आपको अलग अलग वेरिएबल ठीक है कोई दिक्कत नहीं है. चलो भैया साल निकालते केस फर्स्ट स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर मतलब कि आप ऐसे एम्पीरियल लूप में जो कि क्या है इसके बाहर होगी आउटसाइड ऑफ दी सिलेंडर यार ठीक है भैया. तो ये हमने खींच दिया एम्पीरियल लूप कोई दिक्कत नहीं है ठीक है. यहां का जो डीएल होगा और यहां पर जो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा बी वो ऐसी होगी ना. चलो तो कहता है भैया अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है भैया इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कहां पर निकाल रहे एट पॉइंट पर कहां निकाल रहे एट पॉइंट ठीक है. तो एट पॉइंट ए की मैग्नेटिक फील्ड इनटू मीडियल इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट कितना करंट है भैया पूरे सिलेंडर के एनक्लोज कर रखा है इसका मतलब पूरा करंट भी एनक्लोज कर रखा है. तो बी ए क्या होगा बाहर आएगा अंदर क्या होगा डी एल म्यू नॉट आई. तो भैया डीएल क्या है भैया इस एम्पीरियल लूप का छोटा सा पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा टू पाई आर क्या होगा टू पाई आर इक्वल्स में क्या म्यू नॉट आई. तो बी ए क्या होगा भैया म्यू नॉट आई अपॉन में टू पाई आर दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर आउटसाइड ऑफ दी आउटसाइड. यहां पर आप देख रहे भैया कि ये पूरी टर्म क्या भैया कॉन्स्टेंट है आर क्या भैया वेरिएबल है मतलब लूप और बड़ा करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी कम होती है और बड़ा करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी और कम होती रहेगी. तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड आउटसाइड इज इनवर्सली इक्वल टू आर बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड सिलेंडर क्या होगी आर के इनवर्सली होगी ठीक है भैया. अब देखिए एट द सरफेस पे आ ठीक है भैया सरफेस पे आते एम्पीरियल लूप का साइज क्या होगा आर के बराबर होगा और ये बी पॉइंट पे जो मैंने क्या कर दिया इसको एट पॉइंट बी बी पॉइंट की बात कर रहे हैं. तो हमने खींच दिया एक एम्पीरियल लूप और इस एम्पीरियल लूप में क्या किया भैया पूरे सिलेंडर को एनक्लोज कर रखा मतलब सारा करंट भी एनक्लोज करेगा ये भैया. तो एट पॉइंट बी की बात कर रहे हैं तो भैया क्या हो टोटल इंटीग्रल ऑफ बी एट पॉइंट बी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी इंटू में डीएल डीएल क्या किया इस लूप का छोटा सा एलिमेंट डीएल और ये क्या हो गया इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बी पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड वो किसके बराबर होगा म्यू नॉट. आपको पता है इस लूप ने भी पूरे करंट को एनक्लोज कर रखा है तो क्या होगा आई आ जाएगा. आपको पता है सरफेस के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी यही होगी जो बी पॉइंट पर होगी डीएल म्यू नॉट आई. तो डीएल क्या है भैया छोटा सा पार्ट है इंटीग्रेशन डीएल क्या होगा क्या होगा भैया टू पाई स्मॉल आर की वैल्यू क्या है कैपिटल आर के बराबर है म्यू नॉट आई. तो बी भी क्या हो जाएगा भैया म्यू नॉट आई अपॉन में टू पाई आर और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी सरफेस पर इसकी सरफेस कहीं पर भी मिल जाओगे आप तो आपको यही मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाली है. और ये क्या भी है मैक्सिमम है क्या है मैक्सिमम है मैक्सिमम. अब मैं आता हूं भैया इनसाइड सी पॉइंट पर सी क्या भी है अंदर की तरफ है इसके लिए मैंने एक एम्पीरियल लूप ड्रॉ किया सी पॉइंट पर. तो भैया अब आते हैं इनसाइड इस वेंडर इनसाइड मतलब आप जो एम्पीरियल लूप लेने जा रहे हो उसकी रेडियस क्या भैया अब एक्चुअल सिलेंडर से क्या भैया छोटी है. अब इसमें दो केस होंगे पहला होलो और दूसरा क्या होगा भैया स्फटिक दोनों केस हो सकते हैं ना भैया
देखिए चाहे होल हो चाहे सॉलिड हो, अगर बाहर और सरफेस पे हो तो एक नंबर के साइन है, लेकिन जब अंदर हो गए तो दो केस अलग अलग हो जाएंगे, होल और सॉलिड का अलग। अब ये देखिए होल के लिए कर रहा हूं तो क्या हुआ, बी एट पॉइंट सी इंटू में मान लीजिए डीएल भी है, लेकिन आपको पता है भैया अगर अंदर होलो होगा तो अंदर करंट भी नहीं होगा, क्योंकि करंट को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, तो इसके अंदर से किसी प्रकार का कोई भी करंट पास नहीं हो रहा, यानी इस एम्पीयर लूप को जो हमने सी पॉइंट के एम्पीयर लूप लिया है उसके अंदर से कोई करंट पास नहीं करेगा। जब ये करंट पास नहीं करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी क्या है भैया, जीरो आ जाएगा, समझ गए भैया। तो फिर नो करंट नो मैग्नेटिक फील्ड, होल सिलेंडर के अंदर किसी प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, लेकिन अगर सॉलिड है तो सॉलिड के अंदर मटेरियल भी होगा और मटेरियल होगा तो करंट भी पास करेगा, तो कितना करंट पास करेगा, तो मैंने मान लिया आई डैश, कितना पास करेगा भैया, स्मॉल आई कर लो, क्या कर दो स्मॉल आई, ठीक है भैया। तो देखिए भैया ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी एट पॉइंट सी इनटू मटेरियल, इक्वल्स में म्यू नॉट स्मॉल आई, बोला हाँ, अच्छा बी एट पॉइंट सी क्या होगा, जो भी होगा सी पॉइंट पर, मतलब इस लूप पर कहीं पर भी देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपको जैसे ही मिलने वाली, ठीक है भैया। तो सी को बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया मटेरियल म्यू नॉट आई, तो भैया बी सी इक्वल्स में क्या होगा, ये क्या होगा टू पाई स्मॉल आर म्यू नॉट आई स्मॉल आई, और ये क्या होगा बी सी इक्वल्स में म्यू नॉट आई अपॉन में टू पाई आर। अच्छा आई क्या है, तो आई तो मुझे पता ही नहीं कितना है, लेकिन आपको पता है भैया हम आई निकाल सकते हैं तरीके से, आपको पता है भैया करंट डेंसिटी नाम की एक चीज होती है, चाहे वो छोटे पार्ट से निकालू चाहे मैं बड़े पार्ट से निकालू हमेशा क्या होती है सेम रहती है। तो मैं अगर यहां से करंट डेंसिटी की वैल्यू निकाल रहा हूं तो करंट यहां पर क्या, करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी जे, वो क्या होगी करंट अपॉन में छोटा एरिया, या पूरे बड़े सिलेंडर के अक्रॉस में करंट डेंसिटी निकालो तो क्या होगा भैया वही आएगी, लेकिन वो क्या होगा बड़ा करंट अपॉन में बड़ा एरिया। अच्छा इस तरीके जे इक्वल्स में छोटा करंट छोटा एरिया क्या होगा इसका, इसका लूप का एरिया क्या है पाई स्मॉल आर स्क्वायर, भाई इसका रेडियस स्मॉल आर है ना, और इसका जो बड़ा वाला सिलेंडर है इसका क्या होगा जे करंट को क्या भैया आई, और पूरा एरिया क्या होगा इसका पाई कैपिटल आर स्क्वायर, आपको पता दोनों ही क्या आपस में बराबर है, तो दोनों ही आपस में बराबर होंगे, तो मैं याद दिख रहा हूं आपको कि जो आपका होगा आई अपॉन में पाई आर स्क्वायर इक्वल्स में क्या हो गया कैपिटल आई अपॉन में पाई कैपिटल आर स्क्वायर, पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो स्मॉल आई की वैल्यू क्या होगी भैया स्मॉल आई की वैल्यू आई आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, तो ये होगी आपकी करंट जो इस छोटे वाले पार्ट से पास कर रहा है, ठीक है भैया। तो करंट की वैल्यू यहां पर रखी तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी क्या आ गया म्यू नॉट आई की वैल्यू क्या की भैया आई स्मॉल आर अपॉन में टू पाई आर स्क्वायर इंटू में स्मॉल आर, ठीक है भैया। एक आर से एक आर क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी सी पॉइंट पर, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन में टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है भैया। इसको अगली क्लास में आगे बढ़ाएंगे, क्या खत्म हो चुका है डेरिवेशन, लेकिन इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है भैया। मीटिंग खत्म हो गई, दोबारा मीटिंग चालू करने से ही करो।